हेलो फ्रेंड्स, या कल आप लोगों का इंग्लिश एग्जाम है एंड आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर ली है। मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉल्स आई आज और मैसेजेस आए कि सर हम अपने बोर्ड एग्जाम में यानी कल इंग्लिश एग्जाम में कैसे कैसे करेंगे, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, लेटर के फॉर्मेट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आर्टिकल फॉर्मेट में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन आंसर तो हम याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखो, जो भी हो रहा है वो आप नर्वस हो इसलिए हो रहा है, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत करी, आप लोगों ने देखा था कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स को याद करा, अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करे सैम्पल पेपर से। तो मुझे पता है आप लोगों ने मेहनत करी है, लेकिन भाई मेहनत को अब अपनी मेहनत को शो करने का टाइम आ गया है। तो आज मैं आप लोग कुछ टिप्स बता देता हूँ जो आपके कल के एग्जाम में काम आएंगी। सो माय नेम इज सर्श एंड लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों टिप्स है कि सबसे पहले बात याद रखो, स्टार्ट विद द सेक्शन इन विच यू आर गुड। तो बच्चों उस सेक्शन से स्टार्ट करो जिस सेक्शन में आप लोगों को अपनी परफेक्शन लगती है। अब तीन सेक्शन भाई, सेक्शन ए बी सी, एक हो गया आपका पैसेजेस वाला सेक्शन, एक हो गया राइटिंग सेक्शन और एक हो गया आपका टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन। तो मुझे पता है आप लोगों को टेक्स्ट बुक अच्छे से आती है, तो आप टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आपके लिए आपकी कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे, आप चाहे ए करो चाहे बी करो चाहे सी करो। तो बच्चों जिस सेक्शन आप कंफर्टेबल रहते हो ना उसको पहले अटेम्प्ट करना। अगर आपको लगता है कि आपको लेटर आर्टिकल फॉर्मेट टिप्स पर भाई उंगलियों पर रटे हुए हैं, एक एक आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है, तो गो थ्रू विद द सेक्शन बी। अगर आपको लगता है कि मैंने एक एक क्वेश्चन बुक का याद किया है, अच्छे समझा है उसको, मैं आंसर बना के लिख सकता हूँ, तो सेक्शन सी पे पहले जाओ। और आपको लगता है कि आपको पैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप पूरी रीडिंग, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप सेक्शन ए के साथ जाओ। तो बच्चों जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है उसमें पहले स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी सेक्शंस पे आओ। बच्चों एक बात रखना, जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम से पहले उसको केयरफुली यूज करना। बच्चों केयरफुली कैसे यूज करेंगे, अब केयरफुली कैसे यूज करेंगे, आप देखना पेपर को, आप पहले अपना सेक्शन सी देखना, 2 से 4 मिनट वहां पे लगाना और देखना जो क्वेश्चंस वहां पे हैं मुझे आते हैं या नहीं आते। और फिर आप जाना सेक्शन बी पर और देखना जो लेटर और आर्टिकल के टॉपिक हैं क्या मुझे उनके बारे में आता है या नहीं आता, अपने माइंड में पॉइंट्स को फ्रेम कर लेना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपका आर्टिकल का सेक्शन आता है डीमोनिटाइजेशन, तो आप अपने दिमाग में डीमोनिटाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बना के ऑलरेडी रख लेना, ताकि जब एग्जाम जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको वाले पॉइंट्स थोड़े बहुत याद रहें। तो बच्चों इस 15 मिनट में पूरी स्ट्रेटेजी बना लेना कि मैं कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा, कैसे कैसे फ्रेमवर्क बना लेना, पूरा पूरा डिजाइन कर लेना माइंड पेपर कि ये मेरी आंसर शीट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। देन टॉक टू द स्टूडेंट्स अराउंड। बच्चे जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे ना, तो वहां जाके बुक नहीं खोलनी। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सेंटर पे पहुंच जाते हैं और बाहर सेंटर के बाहर खड़े होकर, बाइकों पे बैठ के, स्कूटी पे बैठ के खड़े होके बच्चे बुक खोल के रट रहे होते हैं कि भैया ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो बच्चों ऐसा नहीं करना, सेंटर पे पहुंचो, अपने क्लासमेट से बात करो अच्छे से कि भैया यही सेक्शन, अब डिस्कस करो भैया, डिस्कशन इज द बेस्ट। आप लोग कंफर्टेबल रहोगे, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है डोंट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट मत करना अभी, अगर आप लोगों को कोई चैप्टर छूट गया तो बच्चों पूरा चैप्टर याद करने मत बैठना, ये टाइम अब नहीं है चैप्टर याद करने का। लेकिन फिर भी आप एक समरी क्वेश्चन याद करके चले ना, पूरी चैप्टर की समरी याद कर लेना, कि अगर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ना कुछ बना के लिखाओ, लेकिन एक नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। रीच ऑन टाइम, बच्चों आपका जो सेंटर है ना वहां पे टाइम से पहले पहुंच जाना, ताकि भैया टाइम का इशू ना हो। टेक योर ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं एडमिट कार्ड की, तो बच्चों आपको फोटो कॉपी नहीं लेके जानी, आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। बच्चे क्वेश्चन पेपर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो उनको पहले केयरफुली अच्छे से समझ लेना, उसके बाद अपनी आंसर शीट में क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करना। डोंट गेट नर्वस, बच्चे नर्वस नहीं होना, ये जो आपका बोर्ड का एग्जाम है ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, एक एबनॉर्मल केस है, और एबनॉर्मल केस में अगर आप एबनॉर्मल बिहेव करते हो तो ये ठीक ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से चल रहे हो। लेकिन अगर आप एबनॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल बिहेव करोगे तो वो गलत है। अगर आप थोड़े बहुत नर्वस हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नर्वस नहीं होना। थिंक पॉजिटिव, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के, मेरे पास आज कॉल्स और मैसेजेस आए, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो माइंड में नेगेटिविटी रखते हैं कि हम सेक्शन कैसे, हम ये वाला सेक्शन कैसे करेंगे, हमें तो टेक्स्ट बुक नहीं आती, हम कैसे कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बात याद रखो, थिंक पॉजिटिव, अपनी सोच को जरा सीधी सीधी लेके जाओ कि अगर मैं पेपर कर सकता हूँ तो यस मैं बिल्कुल उस पेपर को करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से करूंगा। और बच्चों एक बात रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, याद रखना यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, आप जो भी लिखोगे आपको पॉजिटिव भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इवन आपको नहीं आ रहा इंग्लिश एक लैंग्वेज, आप कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे किसी ना किसी क्वेश्चन में, तो बच्चों सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना एग्जाम में। फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जाम, फोकस ऑन द
प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जाम। तो बच्चों जो प्रेजेंटेशन है आपके पेपर का उससे फोकस करना। अगर आपका एक लेटर एक पेज में आता है भैया, फर्स्ट पेज से उसको स्टार्ट करना। हफजाड मैनर मत करना कि आधा आधा पेज में आप लेटर स्टार्ट कर रहे हो, आधे पेज में आप आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हो। तो एक फ्रेश पेज से आपको अपने आंसर को स्टार्ट करना है। टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन को आप इवन कर सकते हो, लेकिन लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो गया, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन हो गए, नोट मेकिंग हो गई, नोटिस हो गया, तो बच्चों इन क्वेश्चन को आपको अपने अलग पेज पे करना होता है। सो आई होप आप लोगों को टिप समझ आ गई है। तो बच्चों सारे पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ए बी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। फिर भी कोई दिक्कत आती तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। पेपर का एनालिसिस सबसे पहले मैं कर दूंगा, आपको कल या परसों इंग्लिश एग्जाम का एनालिसिस मिल जाएगा कि पेपर इजी आया था, डिफिकल्ट आया था या मॉडरेट लेवल का आया था। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।